बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। शिर्क तो ये जिस पर भी तुम्हें ये ख्याल है, कलमा है ये कलमा सोम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। जरा इस पर दिल को कभी अगर आप तसव्वुर करें, फिर फर्ज करें, दिल ठुक जाए इस पर, कोई ताकत नहीं। यही बात थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। ग्यारहवीं देने वाले हैं, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग हैं कि जानते हो। ये जिन मकामात तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे, उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था। ऐ मेरे बच्चे इस हकीकत को जहन नशीन कर ले, ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह के। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह ना चाहे, आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह ना चाहे, पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह ना चाहे, जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह ना चाहे, कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो, दर दर पर क्यों जबीसाई करते हो, सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो। एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह के सामने जबीन पर अपनी जबीन रखो। ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। नजर आता है हमें कि पानी प्यास बुझा देता है, प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, अल्लाह के इज्न से। खाना भूख मिटा देता है, भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है, इज्न रब में। देखिए यही यकीन था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, वाकया याद कीजिए। सामने समंदर आ गया है, कौम देखती है पीछे के गर्दो गुबार का तूफान है। मालूम हुआ कि फिरौन अपने लश्कर समेत आ गया है। लश्कर जब चलता था तेज रफ्तारी के साथ तो गर्दो गुबार का जो तूफान उठता था उसका तसव्वुर कीजिए, और लम्हा ब लम्हा वो करीब आ रहा है। पूरी कौम ने क्या कहा, ऐ मूसा इन्ना ला मुद्रकून, ऐ मूसा हमको पकड़े गए। कुरान मजीद ने तो यहां वो बातें नहीं लिखी हैं, लेकिन तौरात में ये दर्ज है कि बनी इसराइल झगड़ने लगे, दस्तों गरीबान हो गए मूसा के साथ। मूसा हमें यहां मरवाया लाकर, इससे तो हम ही बेहतर थे, वहां खाने को मिलता था, जिंदगी तो थी, बेगार हम कर रहे थे, मौत तो नहीं थी। अब जो कुछ होगा उसका तसव्वुर करो, जिस तरीके से हमारे टुकड़े उड़ाए जाएंगे। तो लड़ रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, ये तौरात की तफसील है। कुरान में सिर्फ इतना आया है, परेशान होकर उन्होंने कहा इन्ना ला मुद्रकून, मूसा हम तो पकड़े गए। उस वक्त मूसा का जवाब क्या है, कल्ला इन्ना मा रब्बी सयहदीन, नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता देगा। बताइए कहां रास्ता नजर आ रहा है। यह है ईमान बिल गैब, रास्ता नजर ना आए तब अल्लाह पर यकीन ईमान है, जेब में पैसे हो और तब दिल को इत्मीनान है। तो ईमान किस पर हुआ, पैसे पर, अल्लाह पर नहीं। जब वसाइलों जराए ना हो और फिर यकीन हो कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब का पाबंद नहीं है, वो असबाब का मोहताज नहीं है, असबाब उसके मोहताज है। अगर ये यकीन है तो अल्लाह पर ईमान है, ये नहीं है तो तुम्हारा ईमान असबाब पर है, वसाइल पर है, जराए पर है, मादियात पर है, अल्लाह पर नहीं। उस वक्त कहां रास्ता था, कोई रास्ता था, समंदर है और उधर से लश्कर आ गया है। कल्ला इन्ना मा रब्बी सयहदीन। अब देखिए ईमान कह देना आसान है, हुवा माकुम एना माकुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है, लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाकई हो जाएगा।